दोस्तों महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारू पाटा ये जब रिलीज हो रही थी तो इसके प्रमोशन के दौरान पर महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इस जवाब को लेकर जो महेश बाबू ने कहा था इसके बाद बॉलीवुड के फैंस ने काफी ट्रोल किया था उन्हें। बहुत कुछ पीआर मीडिया के जरिए उन्हें नीचे दिखाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अपने इन हथकंडों में वो सफल नहीं हो सके। महेश बाबू ने कहा था कि मुझे हिंदी सिनेमा से बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अपना वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री में खराब नहीं कर सकता हूं जो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुझे जो इज्जत और स्टारडम साउथ सिनेमा में मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूं, इसलिए मैंने अपनी इंडस्ट्री छोड़कर किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाने का कभी भी नहीं सोचा और ना मैं कभी ऐसा करने वाला हूं। लेकिन अब मीडिया में एक ऐसी खबर चलाई जा रही है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है महेश बाबू के खिलाफ। अब ये जानबूझकर किया जा रहा है या इस न्यूज को बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो इस चक्कर में ये बोल रहे हैं कि महेश बाबू हिंदी सिनेमा में एंट्री करने जा रहे हैं। तो कहानी ऐसी है कि आपने खबर तो सुनी ही होगी कि SS राजमौली साहब ये एक फिल्म बना रहे हैं महेश बाबू को लेकर जिसका बजट है 800 करोड़ रुपए का, जिसे पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, और जिसमें साउथ की जितनी भाषाएं हैं फिर उसके बाद चाहे तमिल तेलुगु कन्नड़ा फिर उसके बाद हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाना है। तो ये जो हिंदी भाषा में रिलीज किया जाने वाला है इसी चीज को लेकर बहुत सारे YouTube चैनल्स ने गलती कर दी है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने गलती कर दी है कि महेश बाबू जो है वो बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं, हिंदी सिनेमा में एंट्री करने जा रहे हैं, और इसे लेकर लोग महेश बाबू को बोल रहे हैं कि आ गया ना औकात पे, कल को कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, देख बॉलीवुड में तू आने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि महेश बाबू का जो घमंड है वो टूट गया है, अब वो हिंदी सिनेमा में काम करने वाले हैं। तो ये खबर झूठी है, इस खबर को या तो मीडिया वालों ने समझा नहीं या जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो हिंदी सिनेमा में काम करने वाले हैं। जैसे बाहुबली RRR KGF ये सारी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की गई अलग अलग भाषाओं में, उसी तरह से जो आने वाली फिल्म है महेश बाबू की SS राजमौली के साथ तो उसे भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाना है जिसमें हिंदी भाषा भी शामिल है।